हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय इस कार्तिक मास के अंतिम दिन की कथा में आप सबका स्वागत है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार समस्त नदियों में गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ माना गया है। जो भी व्यक्ति इस कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करके भगवान श्री हरि के समक्ष दीपदान करता है, उनकी पूजा आराधना करता है, वो निश्चित रूप से विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस पवित्र कार्तिक मास में जो भी पुण्य कार्य आध्यात्मिक या फिर साधना की जाती है, उसका फल अक्षय बना रहता है। इतना ही नहीं, उसका पुण्य फल 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। इस मास में की गई कथा का श्रवण भी मनुष्य को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है, और इसीलिए इस पवित्र कार्तिक मास में अधिक से अधिक भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण, कीर्तन और पठन करना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ हमने संपूर्ण कार्तिक मास में परम भगवान श्री हरि की सुंदर पौराणिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण किया। इसी कथा श्रृंखला की आज अंतिम कड़ी है, तो चलिए आज के कार्तिक विशेष कथा महात्म्य श्रृंखला के अंतिम अध्याय का आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत गोस्वामी से पूछा, हे सूत गोस्वामी, कृपया आप हमारी एक शंका का समाधान करें। हमारा प्रश्न ये है कि दूसरे मनुष्यों द्वारा किया गया पुण्य भी क्या किसी और को लग सकता है, या फिर बिना पुण्य किए भी पुण्य का फल मिलता है? तो इसके उत्तर में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषियों, सतयुग के अंदर एक व्यक्ति द्वारा किया हुआ पाप या पुण्य कर्म संपूर्ण राष्ट्र को भुगतना पड़ता था। त्रेता युग में ये पुण्य कर्म सिर्फ ग्राम को भुगतना पड़ता था। द्वापर युग में एक व्यक्ति द्वारा किया गया पाप और पुण्य समस्त कुल को भुगतना पड़ता था, और इस कलयुग में स्वयं यानी कर्ता को ही पाप और पुण्य लगता है। एक ही पात्र में भोजन करने वालों को पाप और पुण्य का आधा आधा हिस्सा मिलता है। जो व्यक्ति पर निंदा करता है, दूसरों के लिए कटु वचन बोलता है, उनकी कटु बातें सुनता है या फिर चिंतन करता है, तो उसको भी पाप और पुण्य का फल मिलता है। और इसीलिए कहा गया है कि ना तो किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही किसी की निंदा सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की निंदा सुनते भी हैं तो भी आपको निंदा करने वाले के पाप का आधा हिस्सा भुगतना पड़ता है। पराये धन को चुरा कर किसी का दान देने वाला भी पाप का फल भोगता है। हे ऋषिगण, पाप पुण्य के उपदेशकर्ता को छठा अंश मिलता है और प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पुत्र से पिता और स्त्री से पति भी छठा अंश प्राप्त करता है। इसलिए बिना दिए भी एक दूसरे को हम पाप और पुण्य के फल आदान प्रदान करते रहते हैं। हे ऋषिगण, इससे संबंधित एक प्राचीन कथा है, अब मैं आपको वो कह सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। उज्जैनी नगरी में एक समय धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के वास्तविक कर्म क्या होते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, इन सभी बातों से वो अनभिज्ञ था। वो सदैव गलत कार्यों में लगा रहता, जुआ खेलता, मदिरा पान करता, पशुओं को मारकर उनकी खालें बेचता और वेश्याओं के पास जाता था। इस प्रकार उसने अनेक पाप कर्म किए थे। एक समय वो माहिष्मती नगर में अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए गया और उस स्थान पर वो एक मास तक रहा, और इसी बीच में एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर ब्राह्मणों का पूजन और संध्या के समय दीपदान का महोत्सव देखा। अब संयोगवश क्या हुआ कि उसी रात्रि को उस ब्राह्मण को सर्प ने काट लिया। ये देखकर लोगों ने तुलसी युक्त नर्मदा का जल उसके मुख में डाल दिया और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। धनेश्वर को लेने के लिए यमदूत आए और उसे उठाकर ले जाने लगे। यमराज की आज्ञा से नरक में जाकर उसे खौलते हुए तेल में डाला गया। जैसे ही यमदूतों ने उसे खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला तो उन सबको आश्चर्य हुआ कि वो उबलता हुआ तेल बिल्कुल ठंडा हो गया, और इस आश्चर्य को करने वाला समाचार उन्होंने यमराज के पास जाकर भी कह सुनाया, और उसी समय नारद मुनि भी यमलोक की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे थे। यमराज ने उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया, और उसके बाद उन्होंने इस आश्चर्यजनक घटना को भी नारद मुनि को कह सुनाया। ये सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे यमराज, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हालांकि धनेश्वर महापापी था, लेकिन उसने कार्तिक मास के व्रतकर्ताओं की संगति की थी।
उसने एक दिन जीवन के अंतिम समय में नर्मदा नदी के तट पर ब्राह्मणों को कार्तिक मास का पूजन और उद्यापन करते देखा था और इसी के कारण उसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो चुके थे। उसने मुख में तुलसी युक्त नर्मदा का जल लिया था और उसके कानों में श्री विष्णु के नामों का स्वर पड़ रहा था और उस समय उसने मृत्यु को प्राप्त किया था और इसी के परिणाम स्वरूप वो वैकुंठ का अधिकारी बन चुका था। जब नारद मुनि ने ये सारा वृत्तांत यमराज को कह सुनाया तो यमराज भी अत्यंत प्रसन्न हुए और इतना कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। इस कथा का समापन करते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, वही धनेश्वर ब्राह्मण बाद में कुबेर का अनुचर धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से विख्यात तीर्थ भी हुआ और इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव के कारण समस्त पापों का शमन होता है। इस प्रकार श्रील सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषि मुनियों को कार्तिक मास के संपूर्ण महात्म्य की अनेक कथाएं सुनाई और अंत में मनुष्य पाप और पुण्य का भागीदार कैसे होता है उस विषय में भी ज्ञान प्रदान किया। इन समस्त कथाओं को पूर्ण करके उन्होंने तुलसी विवाह की विधि का भी वर्णन किया और इस प्रकार श्रील सूत गोस्वामी के मुख से कार्तिक मास के महात्म्य की कथा श्रवण करके समस्त नैमिषारण्य के ऋषियों ने धन्यता का अनुभव किया और उन्होंने भी आने वाले कार्तिक मास का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का संकल्प लिया। तो इसी के साथ आज की हमारी कार्तिक मास कथा यात्रा का अंत होता है, लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ये अंत नहीं आरंभ है, क्योंकि आने वाला मार्गशीर्ष मास है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, यानी कि मार्गशीर्ष मास भगवान को अत्यंत प्रिय तो है ही, लेकिन भगवान स्वयं के साथ उसकी तुलना करते हैं, यानी कि वो भी सर्वश्रेष्ठ मास है। और इस विशेष मास में भी हम आपके लिए पुराणों और ग्रंथों से मार्गशीर्ष मास की विशेष कथाएं लेकर आने वाले हैं। तो उसे याद से सुनने के लिए और कार्तिक मास की ही तरह पवित्र मार्गशीर्ष मास का भी पालन करने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको सभी कथाएं प्रातः काल में सरलता से मिल जाएंगी। इस संपूर्ण कार्तिक मास का पालन करने का आपका अनुभव कैसा रहा, ये आप हमें याद से आज के इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या हमारे द्वारा सुनाई गई कथाओं से आपको कोई लाभ मिला? क्या हमारे द्वारा बताई गई पूजा विधि आपको सरल और व्यवहारिक लगी? क्या हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रमाणभूत लगी? इन सभी चीजों को आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, आपके उत्तर सुनने की हम प्रतीक्षा करेंगे। इस कार्तिक मास की तरह ही आने वाले समय में हमारे सनातन संस्कृति की धरोहर को प्रमाणभूत रूप से आगे बढ़ाने के लिए आप हमें इस प्रचार कार्य में सहायता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर आपके द्वारा दी गई सहायता से हमें इन कथाओं को यथारूप में प्रस्तुत करने का और इसे जन जन तक पहुंचाने में उत्साह मिलता है, सहायता मिलती है और इस प्रमाणभूत वैदिक यज्ञ को करने का पुण्य फल आपको भी प्राप्त होता है। इस संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान आपने हमारे द्वारा सुनाई गई कथाओं का ध्यान पूर्वक श्रवण किया, इसके लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं और हम परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आप सभी को आपके परिवार के साथ हर प्रकार की सुख समृद्धि शांति और स्वास्थ्य प्रदान करें और उसके साथ साथ उनकी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करें, जो कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, क्योंकि ये भौतिक संबंध और भौतिक संपत्ति कुछ ही समय तक सिर्फ इसी जन्म में हमारे साथ रहेंगे, लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति सदैव हमारे साथ बनी रहेगी और वही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने में सहायक बनेगी। तो चलिए आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे मार्गशीर्ष मास की और अन्य पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्द। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप हमारे इस प्रयास की सराहना करते हैं तो आप हमारे लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना और सहायता से ही हम इस वैदिक ज्ञान के यज्ञ की ज्योति को अखंड रूप से जला पा रहे हैं। तो आज के दिन हमारी टीम के लिए, हमारे लिए विशेष रूप से आप प्रार्थना कीजिएगा। अचानक ही कश्यप ऋषि के आश्रम में दिव्य तेज छा गया, समस्त दिशाओं में और सबके हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी। सभी 6 ऋतुएं एक साथ मिलकर आश्रम में विचरण करने लगी। सभी ग्रह और नक्षत्र शुभ स्थान पर स्थित हो गए।
देवगण उच्च स्वरों में विविध वाद्य यंत्र बजाने लगे। गंधर्व और अप्सराएं उल्लासपूर्ण गायन और नृत्य करने लगे। देवताओं द्वारा की गई पुष्प वृष्टि से कश्यप ऋषि का आश्रम लगभग पूरा ही ढक गया था। लेकिन आज अचानक उनके आश्रम में ये सब क्या हो रहा था? ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा था जिसमें हिस्सा लेने के लिए ऋषि मुनि और सभी देवतागण वहाँ उपस्थित हुए थे? हरे कृष्णा। समुद्र मंथन के बाद देवताओं को भगवान की कृपा से अमृत प्राप्त हुआ और परिणाम स्वरूप असुरों पर उन्होंने सरलता से विजय प्राप्त कर ली। हालांकि इस महायुद्ध में असुरों के राजा बलि महाराज की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन ऋषि शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें जीवित कर दिया। शुक्राचार्य द्वारा मिले इस जीवन दान के कारण बलि महाराज उनके शिष्य बन गए और निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करने लगे। उनके इस व्यवहार से भृगुवंशी शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने इंद्रपद प्राप्त करने की बलि महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए विश्वजीत यज्ञ आरंभ किया। जैसे ही उन्होंने यज्ञ में आहूतियां देना प्रारंभ किया, उसी समय यज्ञ की अग्नि से एक दैदीप्यमान रथ ऊपर आया। इस रथ के घोड़े पीले रंग के थे और उसके ऊपर सिंह चिन्ह से अंकित ध्वजा लहरा रही थी। इसी यज्ञ की अग्नि से एक स्वर्णिम धनुष और कभी न समाप्त होने वाले बाणों से भरे दो तरकश निकले। इसके साथ साथ एक कवच भी प्रकट हुआ। उस समय बलि महाराज के दादा प्रहलाद वहां प्रकट हुए। उन्होंने बलि महाराज को सदाबहार दिव्य फूलों की माला पहनाई और शुक्राचार्य ने शंख प्रदान किया। अब बलि महाराज फिर एक बार इंद्र आदि देवताओं से युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। उन्होंने ब्राह्मणों, अपने गुरु और अपने दादा प्रहलाद को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और स्वर्ग लोक की ओर निकल पड़े। इंद्रपुरी की बाहरी सीमा पर पहुंचकर बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा दिया गया शंख बजाया। उसकी ध्वनि से देवनगरी की सभी स्त्रियां भयभीत हो उठी। देवराज इंद्र भी समझ गए कि एक बार फिर बलि महाराज उनके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं और इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब जैसे ही देवताओं ने इस संकट को देखा तो वे तुरंत पहुंच गए अपने गुरु बृहस्पति के पास। वहां जाकर उन्होंने बृहस्पति से कहा, हे गुरुदेव, हमारा पुराना शत्रु बलि अपने विशाल सेना के साथ हमारे द्वार पर आ चुका है। उसके दमकते चेहरे, शारीरिक बल और अदम्य उत्साह को देखकर लग रहा है कि हम उसके सामने एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे। ऐसा लग रहा है मानो वो अभी संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल जाएगा। देवताओं की बात सुनकर उनके गुरु बृहस्पति ने कहा, देवराज, वास्तव में बात यह है कि भृगुवंशी शुक्राचार्य बलि महाराज से अत्यंत प्रसन्न है और यही कारण है कि बलि महाराज अभी ब्रह्म तेज से युक्त हैं। इसलिए आप सब इस समय उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस समय आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप सभी देवता स्वर्ग लोक से पलायन कर जाएं और अदृश्य रहते हुए सही समय आने की प्रतीक्षा करें। बाद में जब बलि महाराज ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तो उनका ब्रह्म तेज स्वतः ही क्षीण हो जाएगा और फिर तुम उन पर विजय प्राप्त कर पाओगे। अपने गुरु की सलाह मानकर सभी देवताओं ने विभिन्न रूप धारण किए और स्वर्ग लोक से अदृश्य हो गए। बलि महाराज ने इंद्रपुरी में प्रवेश किया और तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में करने का अभियान आरंभ कर दिया। अब देखिए, शुक्राचार्य बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि इंद्रपद के ऊपर यदि कोई स्थायी रूप से रहना चाहता है तो उसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने होंगे। इसलिए बलि महाराज को स्थायी इंद्रपद दिलाने के लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करने आरंभ किए। समय बीतता गया, बलि महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन ये बात भला देवताओं की माता अदिति को कैसे अच्छी लग सकती थी, इसलिए माता अदिति कुछ उदास रहने लगी। एक दिन कश्यप ऋषि अपनी तपस्या समाप्त करके अभी अभी आश्रम में लौटे ही थे। उनकी पत्नी अदिति ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, लेकिन कश्यप ऋषि समझ गए थे कि आज अदिति के चेहरे पर कुछ उदासी छाई हुई है। इसलिए उन्होंने अदिति से उसके कारण के विषय में पूछा। इसके उत्तर में माता अदिति ने कहा, हे स्वामी, आप स्वयं प्रजापति हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं, इसलिए मेरी ऐसी कौन सी इच्छा हो सकती है जो पूरी ना हुई हो। मैं जानती हूँ कि देवता और दानव दोनों ही आपकी संतानें हैं, लेकिन इस समय कृपया देवताओं पर अपना अनुग्रह रखें। इस समय वे स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिए गए हैं। कृपया उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि वे अपने खोए हुए धन और ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त कर पाएं। माता अदिति का निवेदन सुनकर कश्यप ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया और हर परिस्थिति में समभाव रखने हेतु भगवान की शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रदान किया।
लेकिन अब देखिए, ऐसी स्थिति में माता अदिति इस ज्ञान को लेने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। उन्हें तो अपने पुत्रों के कल्याण के विषय में ही चिंता हो रही थी। इसलिए कश्यप ऋषि ने अंत में उन्हें पयोव्रत के विषय में संपूर्ण ज्ञान दिया, जिसका पालन करके वे अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती थी। माता अदिति ने भी अपने पति द्वारा निर्देशित और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक आने वाले इस महान पयोव्रत का पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक पालन किया। इस दौरान उन्होंने अपना संपूर्ण मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए अपना ध्यान भगवान श्री विष्णु पर केंद्रित करके रखा, और जब उनका ये व्रत समाप्त हुआ तो भगवान विष्णु उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। माता अदिति ने जैसे ही भगवान विष्णु के दर्शन किए, वह भाव विभोर हो उठी। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम अर्पित किए। उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा था और आंखों से निरंतर अश्रु की वर्षा हो रही थी, और फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोका वृजिनोपशमोद्यात् शम्नः क्रुधीश भगवन्न सिदीननाथः विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वैरं गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भुम्ने स्वस्थाय शश्वदुपब्रह्मित पूर्ण बोधय व्यापादितात्मा तमसे हरये नमस्ते। हे अनंत, हे आदि पुरुष, परम नियंता, एकमात्र आप ही दीनहीनों के आश्रय हैं। कृपया हमारे ऊपर दया करें और हमारे सौभाग्य का संवर्धन करें। माता अदिति की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान ने कहा, हे देवजननी, मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छाओं से अवगत हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पुत्रों को स्वर्ग लोक में पुनः स्थापित करते हुए देखना चाहती हो, लेकिन मेरे मत अनुसार इस समय असुरों के सभी नेता प्रायः अजेय बन चुके हैं, इसलिए शक्ति द्वारा उन्हें परास्त करना संभव नहीं है। फिर भी मेरा दर्शन कभी विफल नहीं जाता और मैं तुम्हारे इस पयोव्रत से अति प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे इस व्रत तथा कश्यप मुनि की तपस्याओं के फल स्वरूप मैं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा और फिर मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। लेकिन याद रहे, अगर तुम्हें कोई पूछे तो भी इस रहस्य को किसी के सामने उजागर मत करना। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब माता अदिति की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे इस विचार से ही उनका मन अत्यंत प्रफुल्लित हो गया था। इसी प्रसन्न मुख के साथ वे अपने पति ऋषि कश्यप के पास गई। उस समय कश्यप ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे और उन्होंने भगवान श्री हरि के अंश को अपने अंदर समाते हुए देखा। वे संपूर्ण स्थिति को समझ गए थे। उन्होंने योग्य समय पर अपनी शक्ति को अदिति के गर्भ में स्थापित किया और आखिरकार प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। भगवान श्री विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके पीत वस्त्र चमक रहे थे। उनके नेत्र खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर थे। श्यामल वर्ण की उनकी अंग कांति थी और उनका संपूर्ण देह विभिन्न आभूषणों से सजा हुआ था। भगवान के देह से निकलने वाले प्रकाश से कश्यप ऋषि का संपूर्ण आश्रम आलोकित हो उठा था। समस्त दिशाओं में और सबके हृदय में आनंद छा गया था। सभी 6 ऋतुएं एक साथ मिलकर आश्रम में विचरण करने लगी थी। सभी ग्रह और नक्षत्र शुभ स्थान पर स्थित हो गए। देवगण उच्च स्वरों में विविध वाद्य यंत्र बजाने लगे। गंधर्व और अप्सराएं उल्लासपूर्ण गायन और नृत्य करने लगे। देवताओं द्वारा की गई पुष्प वृष्टि से कश्यप ऋषि का आश्रम लगभग पूरा ही ढक गया था। ब्रह्मा जी और अन्य ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। कुछ ही समय में भगवान ने अपना रूप बदलकर वामन स्वरूप धारण किया। सभी महर्षियों ने उनके जात कर्म और अन्य संस्कार पूरे किए। यज्ञोपवीत के समय पर सूर्य देव ने स्वयं वामन देव को गायत्री मंत्र प्रदान किया। कश्यप ऋषि ने घास से बनी मेखला दी। भूमि ने मृगछाल और चंद्र देव ने ब्रह्म दंड दिया। अदिति ने अपने पुत्र को कौपीन दिया और देवराज इंद्र ने छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सप्तर्षियों ने कुश घास एवं सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष मोतियों की माला पहनाई। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और माता पार्वती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। और फिर वामन देव अपना ब्रह्म तेज बिखेरते हुए निकल पड़े।
एक विशेष स्थान पर जाने के लिए। लेकिन कहाँ और किस उद्देश्य से वामन देव निकल पड़ते हैं भृगु कच्छ की ओर, जहाँ बलि महाराज नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। वहाँ उपस्थित भृगुवंशी याज्ञिक ब्राह्मणों ने जैसे ही वामन देव को देखा तो वे उनके तेज से अभिभूत हो गए और आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर ये तेजस्वी बौना बालक कौन है, कहीं ये स्वयं सूर्य, अग्नि या फिर सनत कुमार तो नहीं है। जब वे इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, उसी समय वामन देव हाथ में दंड, छत्र और कमंडलू लेकर यज्ञ स्थली में प्रविष्ट हुए। उनके कमर पर मेखला बंधी हुई थी और बाएं कंधे से होता हुआ जनेऊ उनके वक्ष स्थल पर शोभायमान हो रहा था। उन्होंने कटी प्रदेश में मृग चर्म धारण किया था और सिर पर जटाजूट बाल थे। बलि महाराज ने वामन देव को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा की। उस जल को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया और फिर वामन देव को संबोधित करते हुए बलि महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपके यहाँ आगमन से आज मेरा वंश पवित्र हो गया है। आपके छोटे छोटे चरण कमलों के स्पर्श से ये वसुंधरा भी सौभाग्यवती बन गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं। आपके मन में जो भी अभिलाषा है निसंकोच मुझे बताइए, आपकी इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। अब देखिए, बलि महाराज इतने प्रेम पूर्वक मधुर वचन कह रहे थे तो वामन देव इससे प्रसन्न कैसे नहीं होते, है ना? तो बस वामन देव ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ कि आपके वंश में आज तक ऐसा कोई कृपण व्यक्ति नहीं हुआ जिसने ब्राह्मणों को दान देने का वचन दिया हो और उसे पूरा ना किया हो। आप सदैव ब्राह्मणों के निर्देशन और अपने पितामह प्रहलाद महाराज की छत्र छाया में रहते हैं। अपने पूर्वजों का अनुगमन करने वाले हे बलि महाराज, मुझे अपने पैरों के नाप से केवल 3 पग भूमि चाहिए। ये सुनकर बलि महाराज ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, यद्यपि तुम्हारे वचन किसी विद्वान एवं बड़े व्यक्ति जैसे हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी भी कच्ची और शिशु के समान है। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और तुम्हें भूमंडल के 7 द्वीपों में से एक भी दे सकता हूँ। इसलिए मुझसे इतना मांग लो कि दोबारा तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। ये सुनकर वामन देव मुस्कुराते हुए कहने लगे, यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यति असंतोषात् अम्ब सेवा शुशुक्षणी तस्मात् त्रिणी पदान्येव वृणे त्वद्वरतर्षभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। हे राजन, यदि किसी की इंद्रियां संतुष्ट नहीं हैं, तो वह 7 द्वीपों और 3 लोकों की संपत्ति प्राप्त करके भी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए हे राजन, मैं मात्र 3 पग भूमि से ही संतुष्ट हूँ, कृपया आप मुझे वही प्रदान कीजिए। वामन देव के वचनों के पीछे के मर्म को बलि महाराज नहीं समझ पाए और उन्होंने अपनी स्वीकृति देते हुए 3 पग भूमि देने के लिए जलपात्र उठाया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शुक्राचार्य भी वामन देव की इच्छा के पीछे के रहस्य से अज्ञात थे? जी नहीं, शुक्राचार्य ने वामन देव को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने बलि महाराज को चेतावनी देते हुए कहा, अरे अरे विरोचन नंदन, तुम नहीं जानते लेकिन ये बौने ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु तुम्हारे पास आए हैं, वास्तव में देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने आए हैं। अब वे तुमसे 2 पग भूमि के नाम पर समस्त ब्रह्मांड और 3 लोक छीनकर ले जाएंगे और फिर 3रा पग रखने के लिए तुम उन्हें कौन सा स्थान दोगे, बताओ? इसलिए इसके वचन से मोहित मत हो और मूर्ख मत बनो, मेरी बात मानो और इस ब्राह्मण को दान देने से स्पष्ट मना कर दो, इसी में तुम्हारा और असुर कुल का हित है। अब देखिए, शुक्राचार्य वैसे तो बलि महाराज के गुरु थे, लेकिन वो ऐसे ब्राह्मणों की श्रेणी में आते थे जो शिष्यों द्वारा मिलने वाली दक्षिणा पे निर्भर रहते हैं। इसलिए वे सोच रहे थे कि यदि बलि महाराज ऐश्वर्यहीन और संपत्तिहीन हो जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा, और यही कारण था कि वे बलि महाराज को भगवान की शरण लेने की सलाह देने के बजाय अपने कर्तव्य से दूर होने की शिक्षा दे रहे थे। लेकिन बलि महाराज भगवान के भक्त थे, वे जानते थे कि उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें भगवान की विष्णु की शरण लेने के बजाय उनकी सेवा त्यागने की शिक्षा दे रहे हैं, और जब गुरु अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए तो उनका त्याग करने में कोई अपराध नहीं होता। इसलिए उन्होंने सोच विचार करके अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुदेव, मैं आपके कथनों से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ लोभ के वश में मैं एक ब्राह्मण को दिए हुए अपने वचन को कैसे तोड़ सकता हूँ?
झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए धरती माता ने एक समय कहा था कि मैं अपने शरीर पर भारी से भारी बोझ ढो सकती हूँ, लेकिन एक झूठे व्यक्ति का कदापि नहीं। दधीचि, शिबि और अन्य अनेक महापुरुषों ने अन्यों के कल्याण हेतु अपने शरीर की बलि देने में भी संकोच नहीं किया था, तो फिर मैं इस छोटी सी भूमि और अस्थाई ऐश्वर्य से अपनी ख्याति को नष्ट कैसे कर सकता हूँ। जब शुक्राचार्य ने बलि महाराज के इन तर्कपूर्ण वचनों को सुना तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने बलि महाराज को श्राप देते हुए कहा, बलि, तू ज्ञान एवं विवेकहीन है, लेकिन फिर भी तू स्वयं को बड़ा विद्वान समझता है। तेरा इतना साहस कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू शीघ्र ही अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो जाएगा। अब देखिए, गुरु के द्वारा इतना बड़ा श्राप मिला, लेकिन फिर भी बलि महाराज अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुए। नियमों का पालन करते हुए उन्होंने वामन देव को सर्वप्रथम जल अर्पण किया और फिर अपने वचन का पालन करते हुए उन्हें 3 पग भूमि दान में दे दी। बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली जल से भरा एक स्वर्णिम पात्र लेकर आई और बलि महाराज ने उससे भगवान के चरण कमल धोकर चरणामृत को अपने सिर पर धारण किया। जब देवताओं ने बलि महाराज की सरलता और निष्कपट व्यवहार को देखा तो वे उनकी प्रशंसा करने लगे, उनके ऊपर कोटि कोटि पुष्पों की वर्षा करने लगे। हजारों गंधर्व और यक्ष ढोल बजाते हुए घोषणा करने लगे कि बलि महाराज का यश 3 लोकों में फैलेगा। और आखिरकार वामन देव ने 3 पग भूमि नापना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने शरीर का विस्तार किया। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के शरीर में व्याप्त होने लगा हो। उनके चरण पृथ्वी लोक में थे और तलवों पर निम्न लोक। उनके घुटनों पर विविध पक्षी थे और जंघाओं पर वायु। उनकी नाभि पर आकाश था और वक्ष स्थल पर सितारे चमक रहे थे। देवगण उनकी भुजाओं पर थे और कानों पर दिशाएं स्थित थी। उनके बालों में बादल थे तो आंखों में सूर्य। उनकी भ्रुकुटियों पर यम नियम थे और जिह्वा पर वरुण देव। भगवान के शरीर के बालों में औषधियां थी और परछाई में मृत्यु थी। उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, अन्य देवगण तथा महर्षि थे और संपूर्ण देह में समस्त चराचर प्राणी थे। इस प्रकार उन्होंने 1 पैर जमीन नाप ली। लेकिन अब वामन देव दूसरा पग कहाँ रखेंगे? अब दूसरा पग उठाकर वे ऊपर के लोकों तक विस्तारित करते हैं। वास्तव में वामन देव अपना दूसरा पग इतना ऊपर उठा लेते हैं कि वे स्वर्ग लोक, जन लोक, तपोलोक, महर लोक और यहाँ तक कि सबसे ऊपर सत्य लोक को भी पार करते हुए ब्रह्मांड की बाहरी सीमा तक चला जाता है। अब आप तो जानते ही होंगे ना कि ब्रह्मांड के ऊपर कारण समुद्र है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। और जैसे ही भगवान के पैर का अंगूठा ब्रह्मांड की सीमा को स्पर्श करता है तो ब्रह्मांड की ऊपरी सतह में एक छिद्र बन जाता है और उस छिद्र से कारण समुद्र का जल नीचे ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करने लगता है। और उस समय ब्रह्मा जी ने भी भगवान के चरणों की पूजा करने के लिए अपने कमंडलू से जो जल निकाला वह कारण समुद्र के जल के साथ मिल गया और ये विशेष जल पवित्र गंगा नदी बनकर आज इस धरती पर बह रहा है। तो इस प्रकार अपने दोनों पैरों से पृथ्वी लोक और संपूर्ण ऊपरी ब्रह्मांड को नाप लेने के बाद अब वामन देव पुनः अपने बौने स्वरूप में वापस आ गए। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवतागण उनकी पूजा करने लगे, उनके यशोगान में प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे और नृत्य गायन करते हुए विविध वाद्य यंत्र बजाने लगे। जब बलि महाराज के अनुयायी असुरों ने देखा कि वामन देव ने छल पूर्वक उनके स्वामी की सारी संपत्ति छीन ली है तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और वे वामन देव के ऊपर आक्रमण करने के लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आ गए। जैसे ही विष्णु दूतों ने इन असुरों को आते हुए देखा तो नंद, सुनंद, जय, विजय आदि अपनी अपनी स्थिति संभाल लेते हैं और फिर उन सभी ने बड़ी ही सरलता से उन असुरों को वहां से खदेड़ दिया, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कोई छोटी सी चींटी को अपने शरीर से हटा देता है। अपने असुरों का वध होते हुए देखकर बलि महाराज ने भी अपने अनुयायियों को समझाया और वापस आने का आदेश दिया और फिर थक हार के सारे असुर निराश होकर वापस आए और निम्न लोकों में चले गए। ये सब होने के बाद भगवान विष्णु की इच्छा का पालन करते हुए गरुड़ जी आए और उन्होंने बलि महाराज को वरुण पाश में बांध दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने वाले बलि महाराज को इस स्थिति में देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बलि महाराज अपने निश्चय में दृढ़ थे और वे जरा भी विचलित नहीं हुए और फिर अंत में वामन देव ने बलि महाराज की परीक्षा लेते हुए उनसे पूछा,
हे असुरराज, तुमने तो मुझे 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया था, लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 पग से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया है। तो अब बताओ, मैं 3रा पैर कहाँ रखूं? अपनी संपत्ति पर मिथ्या अभिमान के कारण तुमने मुझे वचन तो दे दिया था, लेकिन अब अगर उसे पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें निम्न लोकों में जाना पड़ेगा। अब देखिए, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 88 अध्याय में 8वें और 9वें श्लोक में कहते हैं, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो घनं त्यज्यन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम् स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद् धनेहया मत्परैः कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। इन श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो सबसे पहले उसकी सारी संपत्ति छीन लेता हूँ, उसके बाद ऐसे निर्धन व्यक्ति, पुत्र, परिवार और मित्रजन भी उसका त्याग कर देते हैं, और इस प्रकार कष्ट भोगता हुआ वह मनुष्य मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अपनी विशेष कृपा प्रदान करता हूँ। ऐसे ही कुछ विशेष कृपा आज भगवान बलि महाराज के ऊपर भी कर रहे थे। जब बलि महाराज ने देखा कि वे अपना वचन पूरा नहीं कर पाए हैं तो उन्होंने भगवान को उत्तर देते हुए कहा, यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोम्यृतम तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदम तृतीयम् कुरुशेषणि मे निजम्। हे भगवान, यदि आपको लगता है कि मैं अपना वचन पूर्ण नहीं कर पाया हूँ तो अवश्य ही मैं उसके लिए व्यवस्था करूँगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं साबित होने दूंगा। यदि आप चाहें तो अपना 3रा पग मेरे सिर के ऊपर रख सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने बलपूर्वक मेरा सब कुछ छीन कर मुझे अपने चरण कमलों के पास खींच लिया है। जब बलि महाराज इस प्रकार भगवान वामन देव से प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय उनके दादा प्रहलाद महाराज भी वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, आपने ही बलि को 3ों लोकों का साम्राज्य दिया था और आपने ही उससे छीन लिया है। ये दोनों ही आपकी उस पर कृपा का प्रमाण है। जब प्रहलाद महाराज वहां हाथ जोड़कर खड़े थे उसी समय बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली भी वहां आ गई। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और दुखी स्वर में अपने पति की ओर से कृपा की याचना करने लगी। अब ऐसे समय में ब्रह्मा जी भी प्रहलाद महाराज और विंध्यावली की बातों में सहमत होते हुए कहने लगे, हे समस्त जीवों के स्वामी और हितैषी, मेरे मत अनुसार बलि को पर्याप्त दंड मिल चुका है। उसने अपने शरीर सहित संपूर्ण संपत्ति निसंकोच आपको समर्पित कर दी है, इसलिए अब इन्हें मुक्त कर देना चाहिए। सबके वचन सुनकर अब अंत में वामन देव कहते हैं, आज बलि महाराज ने ये सिद्ध कर दिया कि वे असुरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे द्वारा इतनी कठिन परीक्षा लेने के बाद भी वे अपनी भक्ति एवं निश्चय में पूरी तरह दृढ़ बने रहे। यद्यपि वे अपनी संपत्ति खो बैठे, अपने पद से गिर गए, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित होकर बंदी बना लिए गए और यहाँ तक कि अपने गुरु द्वारा शापित भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनकी इस निष्ठा और धैर्य को देखकर मैंने उन्हें देवताओं के स्वर्ग से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ सूतल लोक का राज्य देने का निर्णय किया है। सूतल लोक का निर्माण मेरी आज्ञा से विश्वकर्मा ने किया था। इस लोक के निवासी समस्त मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्त रहेंगे। इस मन्वंतर में सूतल लोक के राज्य का भोग करने के बाद बलि महाराज सावर्णी मनु के अगले मन्वंतर में स्वर्ग लोक में इंद्र का पद प्राप्त करेंगे। मैं हर स्थिति में तुम्हारी रक्षा करूंगा और इसलिए मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर वहां रहूंगा। भगवान के ऐसे मधुर और कृपापूर्ण वचन सुनकर बलि महाराज की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की, उन्हें प्रणाम अर्पित किया। उसके बाद ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रणाम करके वरुण पाश से मुक्त हो गए और सूतल लोक जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने प्रहलाद महाराज को भी सूतल लोक में रहने का आदेश दिया और इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने संपूर्ण परिवार और वंश के साथ सूतल लोक में प्रवेश करने के लिए चले गए। वामन देव ने स्वर्ग का साम्राज्य अपने भाई इंद्र को प्रदान किया। क्योंकि वामन देव इंद्र के भाई थे इसलिए उनका एक नाम पड़ा उपेंद्र। भगवान के संरक्षण में इंद्र देव ने पुनः अपने देवराज पद को प्राप्त किया और सभी लोग भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने धाम में लौट गए।
तो ये थी पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद से वामन देव की विशेष कथा। हमें विश्वास है कि इस कथा ने आपके मन को शांत और भगवान के प्रति भक्ति से पूरित कर दिया होगा। अगर ये सच है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। आखिर राजा उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और भगवान के सुंदर स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कुछ ही समय में आकाश भयंकर बादलों से भर आया। बादलों की गड़गड़ाहट से चारों दिशाएं कंपित होने लगी। बिजली की चमक से पूरा वातावरण प्रकाशमान हो गया और अंत में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। समुद्र में विशाल उफान आ गया और संपूर्ण पृथ्वी जल में समाने लगी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? क्या इस ब्रह्मांड में प्रलय आने वाला था या फिर कोई भारी संकट? ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने वाला था। अब देखिए, ब्रह्मा जी के दिन और रात के विषय में तो आप पिछले वीडियो में जान ही चुके हैं, इसलिए इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। तो आज सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को थोड़ी नींद आने लगी थी। जैसे ही वे थोड़ा विश्राम करने के लिए लेटे, उसी समय उनके मुख से वेद बाहर आ गए और इस अवसर का लाभ उठाया हयग्रीव नाम के एक असुर ने। उसने उसी क्षण उन वेदों के ज्ञान को चुरा लिया और वहां से चला गया। अब देखिए, उस समय संपूर्ण स्थान पर प्रलय का जल फैला हुआ था, इसलिए परम भगवान श्री हरि एक मत्स्य का अवतार लेकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने हयग्रीव असुर का वध किया, वेदों को लेकर पुनः ब्रह्मा जी को लौटा दिए और फिर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं चाक्षुष मन्वंतर के समय में। उस समय में भी ऐसे ही अचानक प्रलय आने वाली थी, लेकिन उससे पहले कुछ और घटित हुआ। चाक्षुष मन्वंतर में द्रविड़ देश में सत्यव्रत नाम के एक राजा रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही राजा सत्यव्रत हैं जिन्हें अभी चल रहे मन्वंतर में मनु का पद प्रदान किया गया है। जी हाँ, प्रत्येक मन्वंतर में अलग अलग मनु होते हैं। उसके अनुसार अभी हम जिस काल में जी रहे हैं उस मन्वंतर के मनु यही राजा सत्यव्रत हैं। इस मन्वंतर में वे सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र श्राद्धदेव बनकर आए हैं। तो चाक्षुष मन्वंतर में एक समय राजा सत्यव्रत कठिन तपस्या कर रहे थे। वे मात्र जल पर निर्भर रहते हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। एक दिन ऐसे ही वे कृतमाला नदी के तट पर बैठे थे और तर्पण कर रहे थे। उस समय जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में जल की अंजुली भरी तो एक छोटी सी मछली उनके उस पानी में आ गई। अब राजा का इतना ध्यान नहीं रहा, उन्होंने पानी के साथ साथ उस मछली को भी जल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही राजा ने मछली को जल में डाला, वह मछली बात करने लगी। उसने दुखी स्वर में राजा से कहा, हे महाराज, हे दीन दयाल, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? मैं अत्यंत भयभीत हूँ। इस विशाल नदी में अनेक बड़े जलचर हैं जो मुझे खा सकते हैं। कृपया मुझे रहने के लिए कोई सुरक्षित अन्य स्थान प्रदान करें राजन। अब देखिए, राजा ने तो अपने स्वभाव अनुसार उनकी शरण में आए हुए जीव को आश्रय प्रदान करने का अपना कर्तव्य निभाया और मछली को अपने कमंडलू में डालकर अपने राजमहल में ले आए। लेकिन उनको कोई अंदाजा नहीं था कि ये कोई साधारण मछली नहीं थी। उस रात को मछली कमंडलू में इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए अंदर में हिलना भी मुश्किल हो गया। अगले दिन प्रातः मछली ने राजा को कहा, हे राजन, आपने इस स्थान पर मुझे रखा है, लेकिन जरा देखिए, मेरे लिए ये स्थान अत्यंत छोटा है। कृपया मुझे कोई बड़ा स्थान दीजिए। ये सुनकर राजा सत्यव्रत ने मछली को एक बड़े कुएं में डाल दिया। लेकिन कुछ ही समय में फिर से वही समस्या। मछली ने अपना कद और बढ़ा लिया, कुआं भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। वो फिर से राजा से उसे बड़ा स्थान देने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा सत्यव्रत ने उसे वहां से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, लेकिन देखते ही देखते वह मछली 5 फुट से भी ज्यादा लंबी हो गई। तब राजा सत्यव्रत ने उसे अपने राज्य के सबसे बड़े सरोवर में छोड़ दिया। लेकिन सबके आश्चर्य के बीच उस मछली ने अब विशालकाय स्वरूप धारण कर लिया था। अब राजा के पास और कोई विकल्प शेष नहीं रहा, इसलिए उन्होंने इस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तब वह मछली फिर से राजा से कहने लगी, हे राजन, इस समुद्र में अनेक भयावह मछलियां हैं जो मुझे खा सकती है। मुझे यहाँ अत्यंत भय लग रहा है। मछली के इन मधुर वचनों को सुनकर भ्रमित राजा ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, आखिर तुम कौन हो? हे भगवान, कृपया अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर करें। केवल एक ही दिन में आपने स्वयं को 100 योजन जितना विशाल बना लिया है। आप निश्चित ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण होंगे जिन्होंने संपूर्ण जीवों पर कृपा करने हेतु इस मत्स्य का स्वरूप धारण किया है।
मैं आपके चरण कमलों पर नमन करता हूँ। हे प्रभु, कृपया आप मुझे आज्ञा दें कि आपने किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये स्वरूप धारण किया है। राजा के ऐसे वचन सुनकर मत्स्य अवतार धारण किए हुए परम भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन तीनों लोक प्रलय जल में निमग्न हो जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नौका आएगी। तुम उसमें हर प्रकार के बीज, औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ लेकर सवार हो जाना। तुम्हारे साथ सप्तर्षि और हर प्रकार के प्राणी रहेंगे। इस अवस्था में तुम निर्भय होकर नौका में विचरण करना। उस समय चारों ओर गहन अंधकार रहेगा, लेकिन सप्तर्षियों के मुख से जो तेज निकलेगा उसी से तुम्हारी नौका प्रकाशमान रहेगी और तुम्हें मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। जल के मध्य में भयंकर तूफान के कारण तुम्हारी नौका हिचकोले खाने लगेगी और उस समय मैं अपने इसी मत्स्य स्वरूप में तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे सिंह के साथ तुम अपनी नौका को बांध देना और बांधने के लिए तुम रस्सी के रूप में वासुकी का प्रयोग करना। इस प्रकार ब्रह्मा जी की संपूर्ण रात्रि के दौरान तुम इसी नौका में विहार करना और उस समय मैं तुम्हें अपने विषय में दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा और फिर मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में परम सत्य का ज्ञान और मेरी महिमाएं उजागर होंगी। इस प्रकार कहकर भगवान मत्स्य वहां से अदृश्य हो गए और राजा सत्यव्रत उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। वे पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए कुश घास से बने हुए आसन पर बैठ गए और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान मत्स्य के सुंदर स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कुछ ही समय में आकाश भयंकर बादलों से भर आया। बादलों की गड़गड़ाहट से चारों दिशाएं कंपित होने लगी। बिजली की चमक से पूरा वातावरण प्रकाशमान हो गया और अंत में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। समुद्र में विशाल उफान आ गया और संपूर्ण पृथ्वी जल में समाने लगी। अब राजा सत्यव्रत को भगवान की बातें याद आने लगी और उन्होंने देखा कि एक विशाल नौका उनकी ओर आ रही थी। राजा ने तुरंत सारे बीज, औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ अपने साथ ले ली और उस नौका पर सवार हो गए। उनके साथ महान ऋषि मुनि भी थे। जब राजा सत्यव्रत ऋषियों के निर्देश अनुसार भगवान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उसी समय एक 10 लाख योजन लंबी सुनहरी मछली प्रलयकारी समुद्र में प्रकट हुई। उसके सिर पर एक विशाल सिंह निकला हुआ था। उन्हें देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में उनके सिंह से बांध दिया और नौका को उस मत्स्य के साथ जोड़ दिया और फिर राजा सत्यव्रत भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे। त्वं सर्वलोकस्य सूरत प्रियेश्वरो हियात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्ट सिद्धिः तथापि लोको न भवन्त मन्दिधिर् जानाति संतं हृदि बद्ध कामः त्वं त्वामहं देववरं वरेण्यम् प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थदीपैर्भगवन्वचोभिर्ग्रन्थिन् हृदयान् विवृणु स्वमुखः। हे प्रभु, आपने अपने भक्तों को दिव्य ज्ञान प्रदान करके मूल स्वरूप में स्थित होने में उनकी सहायता करते हैं, इसलिए हे भगवान, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे स्वामी, मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य से संबंधित उपदेश दें, जिससे कि मैं परम गति को प्राप्त कर सकूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद प्रलय जल में विचरण करते हुए भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को भक्ति योग का ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने उन्हें पुराणों और संहिताओं का भी ज्ञान प्रदान किया और राजा के साथ सभी ऋषि मुनि इस परम ज्ञान को प्राप्त करके आलोकित हो उठे। तो ये थी श्रीमद् भागवतम से भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। अगर आपने इस कथा को ध्यान से सुना है तो चलिए आज आपके लिए एक प्रश्न है। इस कथा में राजा सत्यव्रत कौन से मन्वंतर में मत्स्य अवतार के दर्शन करते हैं? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना उत्तर लिखकर भेजिए और जाने से पहले आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे पिन कमेंट में दिया गया है। तो चलिए इस मंगलमय पुरुषोत्तम मास में परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी चेतना को श्री कृष्णमय बनाते हैं और इस प्रार्थना को गुनगुनाते हैं।
भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जनम सत्संगे तरह ए भव सिंधु रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे शीत आतप वात वरीषण इदि नयामिनी जागिरे विफल सेविनो कृपण दुर्जन चपल सुखलव लागिरे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो एहि अभिलाषी, ये तो मार शरण लो तार वंश पूर्ण हो, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः मोरा एहि अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने रिबो सदा युगल रूप कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः दीन कृष्ण दासे कहे एहि नमो राहो, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा, हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं।
जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उस पर आप अपनी कृपा करती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति प्रदान करें, जिससे मैं युगल श्री श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए तथा सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अत्यंत दीन कृष्ण दास आपसे प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब तुलसी देवी की परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अर्थात श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करने से प्रत्येक पद पर ब्रह्म हत्या पर्यंत सभी पापों का नाश हो जाता है। आइए अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। ये तुलसी अष्टकम ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। जब एक समय तुलसी देवी अंतर ध्यान हो गई थी तो उसके बाद भगवान उनके विरह में व्याकुल हो गए और वे वृंदावन आ गए। वहां पर आकर उन्होंने तुलसी देवी की पूजा और इस स्तुति का पाठ किया था। श्री भगवान उवाच वृंदारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बुधास्तेन वृंदा मत्प्रियां तां भजाम्यहं पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृंदावने वने तेन वृंदावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम् असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम् असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम् देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च दृष्टमिच्छामि शोकतः विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवता धीमे यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियां कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम मम रक्षतु जीवनम। आइए अब इस तुलसी अष्टकम का अनुवाद जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूपी वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धिमान लोग वृंदा कहते हैं और ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं
अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह पूर्वक आतुर होकर स्मरण करता हूँ। जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी पुष्प सारा पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, और इसीलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि ख्यात है, वही भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कोई तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है, और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात हैं। वही देवी तुलसी मेरे जीवन की, मेरे प्राणों की रक्षा करें, रक्षा करें।